ना खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों की और चीज़ों की, बहुत ही मज़ेदार था। ये जो सा हमारा मटन पुलाव है तैयार होने वाला है, तो व्यूअर्स ये स्पेशल ये रेसिपी आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना। माशाल्लाह ये देखें, एक कनी मैंने रख के ना, अब दम निकालना है केला केला दाना। ये माशाल्लाह देखो कितने अच्छे बने हैं चावल, आप बनाएं बहुत मज़े के बनेंगे ये चावल, यखनी वाले चावल। ये देखें गरम गरम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नान को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद नान को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो सी है ईद स्पेशल वीडियो इस टाइम के मिलते रहें। तो व्यूवर चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है गोश्त वाला पुलाव, मतलब मीट पुलाव हम लोगों को बनाना सिखा रहे हैं। और ये पुलाव कैसे बनेगा, इसकी तरकीब क्या है, इसके लिए यखनी पहले तैयार करनी होती है, यखनी किस तरह तैयार की जाएगी, उसकी तरकीब क्या होगी ये जानते हैं मामा से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने एक प्याज दरमियाने साइज़ का वो 4-5 टुकड़े करके डाल दिए हैं, 2 लहसुन के गट्ठे डाले हैं छिलकों समेत, ठीक है वो मैंने डाल दिए। ये मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ और मैंने सौंफ भी ना ये डब्बी भर के ना डाली है दो के, मतलब उसमें दो बड़े चम्मच का अंदाज़ा दे देते हैं अपने फ्रेंड को देखने वाले को कि मतलब जितना अगर उन्होंने बनाना उसकी मिकदार से वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं। ये नमक 1.5 चम्मच। तो व्यूअर्स अब हम लोग यखनी तैयार करते हैं इसकी और आपको दिखाते हैं कि मीट पुलाव जो सा हम लोगों ने आपके साथ शेयर करना है वो कैसे तैयार होगा। तो यखनी को पहले पकने के लिए रख देते हैं फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है यखनी पुलाव और हम लोगों ने मटन की जो सी यखनी तैयार कर ली थी, यखनी हम लोगों ने ये रख ली है और जो सा गोश्त है मम्मा ने सेपरेट कर लिया है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं चलते हैं मम्मा की तरफ और दोबारा मम्मा से जानते हैं। जी मम्मा। बस हाँ जी, ये देखें ये गल गया गोश्त अच्छी तरह, मैंने गला दिया था आपको पता ना, वो मैंने सौंफ सूखा धनिया लहसुन एक प्याज डाल के यखनी पका ली थी, ठीक है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच मतलब जीरे का डाला है, वो अपनी मर्जी से। यखनी पकाने के बाद अब गोश्त में सारी चीज़ें शामिल कर रहे हैं। ये 1 चम्मच दादरी मिर्च का, बस 1.5 ही डालूंगी क्योंकि वो हरी मिर्चें भी, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। अच्छा जी, 1 चम्मच नमक का, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने ना 6-7 मिर्चें काट ली हैं हरी। ये बताने के बाद एक दफ़ा हमें यखनी का दोबारा रिपीट करना है, वो लोग मतलब जिन्होंने हमारी वीडियो को स्किप कर दिया था या अभी ज्वाइन किया है अच्छा। जिनको नहीं पता चला ताकि उनको पता चल जाए अच्छा। कि यखनी में आपने क्या क्या चीज़ें डाली थी। अच्छा का मैंने ना गोश्त वैसे लिया, ये कुर्बानी का गोश्त है, कुर्बानी का हमारी मतलब पुलाव बना रहे हम लोग, ठीक है हमारी मतलब रेसिपी ये ही है। तो मैंने ये गोश्त ले लिया था, ठीक है। इसमें मैंने एक बड़ा सारा ना लहसुन डाल दिया था साबती दो के, ठीक है अच्छा गट्ठा ही पूरा। तो एक बड़ा सा प्याज ना 4 टुकड़े करके वो डाल दिया था, इतना सारी सौंफ, इतना सारा सूखा धनिया, नमक डाल के ना पकने रख दिया था। अब ये गोश्त गल गया है, ठीक है। ये हो गई हमारी यखनी तैयार। ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, ये 6-7 हरी मिर्चें हैं, ये अदरक मैंने आधा सारा काफ़ी सारा काटा, ये देखो बारीक बारीक, ये काली मिर्चें, ये सूखा मतलब पिसा हुआ गर्म मसाला मिक्स, ये 3 टमाटर, ये तेज़पत्तर, ये इमली, ठीक है ये हमारी यखनी है। यखनी भी दिखा दो आप, ये यखनी हम लोगों ने निकाल ली और ये चीज़ें और ये छान भी ली हमने, ये नहीं बेटा मैं बता दूँ ना पूरी बात, ये यखनी हमने छानी है क्योंकि वो बीच में कोई चीज़ ना आए, सूखा धनिया मतलब सौंफ वगैरह चावलों में आती है ना वो अच्छी नहीं लगती, मलमल के कपड़े में सारा कुछ बांध के, वो भी तो एक है ना। हाँ जी, वो भी खा लेते हैं, बस आप वो जो सी है निकाल लें पोटली। और नहीं मैंने ये ऐसे डाल देती ना अच्छी तरह, जरा वो मतलब उसका आ जाता है ना जायका, रस आ जाता है, ठीक है। तो वो भी डाल सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, मतलब प्याज ब्राउन करेंगे, प्याज ब्राउन करके ना ये सारे मसाले डाल के भूनते हैं, फिर अल्लाह खैर करे बाकी काम करते हैं। पुलाव के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो से प्याज है ब्राउन कर लिए हैं। और मम्मा अब आप वही गोश्त जो भी है सारे इंग्रेडिएंट्स आपने शामिल किए, इसका शामिल करेंगे आप थोड़ा सा और हो जाए।
माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों की और चीज़ों की, बहुत ही मज़ेदार था ये जो सा हमारा मटन पुलाव हुआ तैयार होने वाला है। तो व्यूअर्स ये स्पेशल ये रेसिपी आप लोगों ने इसको ज़रूर, मतलब हम लोगों ने 10 मिनट अच्छी तरह से जो सा गोश्त है मसाले डाल के इसको भून लिया है। अब इसके अंदर जो सा स्टोव में जो यखनी है वो हम शामिल करेंगे और चावलों के हिसाब से जो सा पानी है वो आपको पता जैसे कि डबल डलता है पानी वो हम शामिल करेंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे। ये पानी भी डाल दिया अब इसको हम लोग पकने के लिए रख देते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ठीक है तो व्यूवर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना, देखना मज़ेदार से जो सा मटन पुलाव है ईद स्पेशल वो कैसे तैयार हो। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने चावल शामिल कर दिए हैं और बहुत ही माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और अब ये पानी खुश्क हो जाएगा इसको फिर हम दम के रख देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार से जो चावल है वो कैसे तैयार होंगे। लेकिन अभी पानी बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों ने पानी को रिड्यूस करना है और जब एक कनी रह जाएगी उसको फिर हम लोगों ने दम पर रखना है। माशाल्लाह ये देखें एक कनी मैंने रख के ना अब दम निकालना है। तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो से चावलों की रेसिपी मटन पुलाव है वो तैयार हो गई है। केला केला दाना ये माशाल्लाह देखो कितने अच्छे बने हैं चावल, आप बनाएं बहुत मज़े के बनेंगे ये चावल, यखनी वाले चावल ये देखें गरम करें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गोश्त से वो भी गल गया क्योंकि यखनी भी बनाई थी और बाद में मम्मा ने इसको अच्छी तरह से भून लिया था पकाया था तो बहुत ही मज़ेदार से चावल तैयार हो गए हैं। वो क्या है? ये मैंने मीठे चावल बनाए जर्दा जर्दा वो भी मैं डाल के दिखाती हूँ। इन चावलों की रेसिपी वैसे हमारे चैनल पर मौजूद है। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि जर्दे की रेसिपी हमारे चैनल पे पहले ही मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इसको जो सा लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें आप जो सा हम लोगों ने मटन पुलाव तैयार किया ये है इसका फाइनल लुक। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया, दोनों चावलों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मीठे चावल भी है नमकीन भी है, साथ हम लोगों ने दही की चटनी भी बनाई हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इसके साथ साथ अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी सीरियल फैमिली मिलते रहें। तो व्यूअर देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।